हेलो माय अमेजिंग फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है दोस्तों। वोकैबुलरी सीखना बहुत ही ज़रूरी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की नंबर वन की यूनिवर्सिटी है मैनेजमेंट के लिए, उसमें एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा। उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, उन्होंने कहा इंग्लिश सीखने के बारे में कि इफ़ यू डोंट लर्न ग्रामर यू कैन लर्न अ लिटिल इंग्लिश। अगर आप ग्रामर नहीं सीखते तो आप थोड़ी सी इंग्लिश सीख सकते हैं। एंड इफ़ यू डोंट लर्न वोकैबुलरी यू कांट लर्न एनी इंग्लिश एट ऑल। अगर आप वोकैबुलरी नहीं सीखते, यानी शब्दों का अर्थ मीनिंग नहीं सीखते, तो आप ज़रा से भी इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, इतनी सी भी नहीं। इसलिए दोस्तों वोकैबुलरी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ यूनिक वोकैबुलरी, बहुत ही कमाल की वोकैबुलरी है। ऐसे वर्ड्स हैं ये, इनका इस्तेमाल अक्सर आपको न्यूज़पेपर में, अगर कोई कंपेरेटिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो उधर, और जो अच्छे हाई लेवल का लिटरेचर होता है उधर भी आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको ध्यान से एंड तक वीडियो को देखना चाहिए और आपको ये सारे वर्ड सीख लेने चाहिए। पहला जो वर्ड है दोस्तों वो है फैंसी। अब आप देख रहे हैं PANSY। जनरली हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग इंग्लिश बोलने वाले लोग तो हैं नहीं, हमारी मातृभाषा तो हिंदी या दूसरी भारतीय भाषा है, इंग्लिश हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो हम इसको फैंसी ऐसे समझ लेंगे। इसीलिए मैंने जानबूझ के इसका प्रोनंसिएशन लिखा है, उच्चारण। अच्छा, मैं एक बात और आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्रामर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्रोनंसिएशन सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनंसिएशन के बारे में कहावत है कि जैसे किसी इंसान के पूरे शरीर में उसका चेहरा ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम चेहरे से ही लोगों को जानते हैं, उनसे प्यार या नफरत करते हैं। वैसे ही किसी भी लैंग्वेज का फेस होता है उसका प्रोनंसिएशन, उसका उच्चारण। तो अगर बहुत अच्छा मुझे सेंटेंस बनाना आता है, मैं दुनिया में कोई भी सेंटेंस बना सकता हूँ, मुझे बहुत सारी वोकैबुलरी भी आती है, मैं किसी भी तरह की के टॉपिक पर कुछ भी बोल सकता हूँ क्योंकि मेरी वोकैबुलरी काफ़ी रिच है, लेकिन अगर मेरा उच्चारण गलत है तो इन सब चीज़ों पर, इस पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए उच्चारण भी टॉप क्लास का होना चाहिए। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो इन्हीं तीन चीज़ों पर फोकस करता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी एंड प्रोनंसिएशन। तो हम आप सारी ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो दोस्तों पहला वर्ड है फैंसी, ये एक नाउन है, नाउन का एन लिखा है यहाँ पर। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है दोस्तों अ वीक और इफेमिनेट मैन। इफेमिनेट कमज़ोर, और इफेमिनेट का मतलब होता है ऐसा मर्द या ऐसा लड़का जिसके औरतों के जैसे हाव भाव हो। तो इस तरह का आदमी को, जो इस तरह का आदमी आप उसको फैंसी बोल सकते हैं, नहीं तो एक बड़ा ही अपमानजनक तरीके से हम किसी को अगर बोलें, ये जो वर्ड है अ गे मैन, गे आदमी, जो जैसे होमोसेक्सुअल मैन होता है, तो होमोसेक्सुअल वर्ड कोई ख़राब वर्ड नहीं है, गे भी कोई ख़राब वर्ड नहीं है। अगर हम बोलते हैं ही इज़ गे तो उसमें कोई अपमानजनक बात नहीं है, लेकिन अगर उसी आदमी को जो गे है ख़राब तरीके से उसका अपमान करने के लिए गाली की तरह कोई वर्ड बोला जाएगा तो वो वर्ड है फैंसी। तो इसका बड़ा बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप समझिए कि दो मीनिंग हो सकती है, या तो एक ऐसा आदमी जो बहुत ही कमज़ोर है, स्त्रियों के जैसा है, उसके हाव भाव हैं, उसकी आवाज़ औरतों के जैसी है, या एक गे आदमी जिसको आप अपमान करने के लिए उसको इस नाम से बुला रहे हैं। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, एक एग्जांपल है दोस्तों, यहाँ पर किसी लड़की के लिए कहा जा रहा है कि शी थिंक्स ही इज़ अ फैंसी। उसको ऐसा लगता है, किसी कोई लड़की ऐसा सोचती है किसी लड़के के बारे में कि वो एक फैंसी है, यानी या तो गे है या बहुत ही औरतों के जैसा है, स्त्रियों के जैसा। स्ट्रैंड एक शब्द है हिंदी में इसके लिए, शुद्ध हिंदी में स्ट्रैंड, तो कि वो ऐसा है, तो शी थिंक्स ही इज़ अ फैंसी। नहीं तो जब अपमान करने के लिए बोलेंगे किसी को तो कैसे बोलेंगे, कोई किसी को बोल रहा है यू लिटल फैंसी, ऐसे हिंदी में भी वैसे बोल सकते हैं आप, मैं तो शब्द बोल नहीं सकता, तो यू लिटल फैंसी ऐसे करके हम किसी को बुला सकते हैं जो गे है जिसका अपमान करना है। तो मेरी सलाह तो आपको यही रहेगी कि ऐसे नहीं किसी को बोलना चाहिए, लेकिन गुस्से वगैरह में लोग बोल ही देते हैं। तो दोस्तों ये था वर्ड फैंसी। चूँकि ये वर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किया इफेमिनेट, तो मैंने सोचा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये है दोस्तों EFFEMINET। इसका प्रोनंसिएशन सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे इफेमिनेट। ये फै देख रहे हैं आप, फै में जो ए है उसी पर स्ट्रेस है, उसको मैंने अंडरलाइन किया है, यानी वहाँ पर ज़्यादा रुकना है। ये दोस्तों प्रोनंसिएशन का कमाल, कोई वर्ड है उसकी मीनिंग भी आपको आती है, सेंटेंस बनाना भी आता है, लेकिन उच्चारण गलत है तो सब पर पानी फिर जाता है। इसीलिए उच्चारण सीखना बहुत ज़रूरी, इसलिए मैंने आज थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स है तो मैंने सबका उच्चारण भी लिख दिया कि आप सही उच्चारण में बोल सकें। इफेमिनेट ये एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, और इसका मीनिंग वही है जहाँ जो जैसे ऊपर लिखा था कि अ पर्सन, एक ऐसा आदमी हु बिहेव्स, जो ऐसे व्यवहार करता हो, कैसा व्यवहार करता हो, और लुक्स या दिखता हो कैसा,
सिमिलर टू अ वुमन, ऐसा आदमी जो एक स्त्री की तरह या तो दिखता हो या व्यवहार करता हो। बहुत ऐसे लड़के होते हैं, आपने देखा ही होगा, हटो ना तुम, क्या बात है, मुझे नहीं करना आता, बट करते ऐसे लोग, जो फिल्मों में बहुत दिखाते बढ़ा चढ़ा के, टीवी सीरियल्स में से बढ़ा चढ़ा के दिखाते। तो अ पर्सन हु बिहेव्स और लुक्स सिमिलर टू अ वुमन, यानी स्त्रैण, जो स्त्रियों के जैसे दिखता हो। कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? यहाँ पर किसी के बारे में कहा जा रहा है कि ही हैज़ गॉट अ वेरी इफेमिनेट वॉइस, किसी आदमी के लिए कहा जा रहा है, किसी लड़के के लिए, कि उसकी जो आवाज़ है वो बड़ी औरतों के जैसी आवाज़ है, लड़कियों के जैसी आवाज़ है, स्त्रैण आवाज़ है। ही हैज़ गॉट अ वेरी इफेमिनेट वॉइस, ऐसे इसको सेंटेंस में यूज़ करना है। उसके बाद जो दोस्तों वर्ड है वो भी कमाल का वर्ड है, और ये अक्सर आपको न्यूज़पेपर्स में या कंपेरेटिव एग्जाम्स में ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। ये वर्ड है दोस्तों FUL MINET, इसका उच्चारण होगा फुलमिनेट, इसको फल्मिनेट नहीं बोला है, फल्मिनेट ऐसे नहीं होगा, फुलमिनेट। अच्छा आप देख रहे हैं NAT को मैंने लिखा है नेट, नेट नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये जो है A, जिसको हम A बोलते हैं बचपन से, ABCD वैसे A, उसका उच्चारण एक्चुअली A नहीं होता, उसका उच्चारण होता है A, इसलिए इसको बोलेंगे फुलमिनेट A, जैसे चेहरे को बोलना चाहिए फेस। अगर आप ये सब प्रोनंसिएशन सीखना चाहते हैं एकदम टॉप क्लास का, बिल्कुल करेक्ट, और नेटिव स्पीकर्स की तरह, अंग्रेजों की तरह बोलना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन एंड फनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में प्रोनंसिएशन के ऊपर 135 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप उन वीडियोज़ को देखिए और प्रोनंसिएशन के सारे रूल्स आप सीख सकते हैं, टॉप क्लास का उच्चारण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसको पढ़ेंगे फुलमिनेट, ये एक वर्ब है, और इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली, जब बहुत ज़ोरदार तरीके से हम किसी की आलोचना करते हैं, तीखी आलोचना जब हम करते हैं किसी की, बहुत ज़ोरदार तरीके से जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कि उसके काम से नाराज़गी जताते हैं, असंतुष्टि जताते हैं, तो यही इसका मीनिंग है। सेंटेंस में कैसे होगा? तो यहाँ पर एक सेंटेंस है कि ही वॉज फुलमिनेटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो सरकार की तीखी आलोचना कर रहा था। यहाँ पर एक चीज़ बहुत सीखने वाली है कि फुलमिनेट के बाद अगर आप उस चीज़ का भी नाम देंगे या उस आदमी का नाम देंगे जिसकी आलोचना की जा रही है, यानी अगर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे सेंटेंस में, तो बीच में आपको अगेंस्ट ज़रूर लगाना चाहिए। ही वॉज फुलमिनेटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ऐसे करके यूज़ होता है। अच्छा दोस्तों उसके बाद ये वर्ड है EXPONENT, इसका उच्चारण है एक्सपोनेंट, इसको भी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, वो गलत उच्चारण है, सही उच्चारण दोस्तों एक्सपोनेंट। अच्छा मैं यहाँ पव क्यों लिख रहा हूँ, PO को मैं लिख रहा हूँ पव, पो नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि जिसको हम ओ समझते हैं, ओ ऐसा हमको बचपन से सिखाया गया, MNOP, तो एक्चुअली उसका उच्चारण ओ नहीं होता, उसका उच्चारण होता है आधा अ और छोटा उ, अ, इसलिए इसको कहा गया एक्सपोनेंट। और ये जो है NENT उसको पढ़ेंगे नंट, एक्सपोनेंट। आप जैसे उच्चारण सीखना है, मैंने आपको जो प्लेलिस्ट बताई लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उसमें मेरा अल्फ़ाबेट के ऊपर, अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उनके ऊपर एक वीडियो है, आप उसको देखिए, आपको सारे जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश में सबका सही प्रोनंसिएशन आपको मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों एक्सपोनेंट एक नाउन है, इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग है अ पर्सन और थिंग, कोई भी ऐसा आदमी या चीज़ दैट इज़ अ, जो कि है अ रिप्रेजेंटेटिव, जो उसको रिप्रेजेंट करता हो, उसका प्रतिनिधित्व करता हो, और एडवोकेट, जो एडवोकेट करता हो, और सिंबल यानी प्रतीक ऑफ समथिंग, कोई भी ऐसा आदमी जो या चीज़ जो किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करते या उसका प्रतीक हो। जैसे गांधी जी अहिंसा के प्रतीक थे, क्योंकि उन्होंने अहिंसा का पाठ सबको पढ़ाया, अहिंसा की का जो ज्ञान है वो उन्होंने सबको पूरी दुनिया को दिया, तो हम बोल सकते हैं ना कि गांधी जी अहिंसा के प्रतीक है। तो इस तरीके से जो प्रतीक होते हैं कोई, या उसकी वकालत करने वाले जो लोग होते हैं, जो उसके पक्ष में बोलते हैं, तो या उसका कोई प्रतिनिधि है, किसी भी आदमी या किसी भी चीज़ का जो प्रतिनिधि है उसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट, जो कि उस आदमी या चीज़ का नाम लेते ही वो दो बात हमारी नज़र में आती है कि यार गांधी जी यानी अहिंसा। इस तरीके से सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? मैंने वही सेंटेंस बनाया कि गांधी इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ नॉन वायलेंस, कि गांधी जी जो है वो अहिंसा के प्रतीक हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसको सेंटेंस में यूज़ करना है आपको। उसके बाद एक फ्रेजल वर्ब है और वो है बेल्ट आउट समथिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है दोस्तों? यहाँ लिखा मैंने फ्रेजल, PH से फ्रेजल, V से वर्ब, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब होता है जब आप किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन या एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर प्रेपोजिशंस होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही कमाल की चीज़ें,
किसी को भी सीखने चाहिए। जनरली इसमें दो या तीन वर्ड्स होते हैं, ज़्यादातर दो वर्ड्स होते हैं, कभी कभी तीन वर्ड्स भी हो सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स इंग्लिश बोलने में, कम्युनिकेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी, और फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करने से आपकी इंग्लिश एकदम ही नेचुरल साउंड करेगी, जैसे आपको एकदम इंग्लिश की पूरी समझ है। आप एक नेटिव स्पीकर की तरह अगर बोलना चाहते हो तो आपको फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये है बेल्ट आउट समथिंग, समथिंग की जगह पर उस चीज़ का नाम आएगा जिसको यूज़ किया जा रहा है। तो बेल्ट आउट समथिंग की मीनिंग क्या होती है, बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग है। और मीनिंग दोस्तों, टू सिंग वेरी लाउडली, बहुत ऊँची आप ज़ोर ज़ोर से गाना, विद इंथ्यूजियाज्म, इंथ्यूजियाज्म का मतलब होता है जोश, बहुत जोश के साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से जब गा रहे हैं गाना, तो इसको बोलते हैं बेल्ट आउट। बेल्ट आउट अ सॉन्ग का मतलब है एक गाने को ज़ोर ज़ोर से गाना। ज़रूरी नहीं है कि गाने के लिए हर बार सिंग का ही इस्तेमाल करें, सिंग माने गाना, वो तो बहुत कॉमन वर्ड है, सबको मालूम है। इसलिए दोस्तों ये फ्रेजल वर्ब आपको बताया। तो सेंटेंस में कैसे यूज होगा, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, ही बेल्टेड आउट मैनी क्लासिक्स, क्लासिक सॉन्ग्स जो होते हैं जो अमर हो जाते हैं गाने, उनको क्लासिक सॉन्ग्स कह सकते हैं आप। तो ही बेल्टेड आउट मैनी क्लासिक्स एट द कॉन्सर्ट, कोई म्यूजिकल प्रोग्राम को कॉन्सर्ट कहते हैं, CONCERT, कॉन्सर्ट का मतलब होता है कोई भी म्यूजिक का प्रोग्राम। तो कोई किसी सिंगर के लिए कहा जा रहा है कि उस म्यूजिक वाले प्रोग्राम में, उस कॉन्सर्ट में उसने काफ़ी सारे क्लासिक्स बहुत जोश में, बहुत अच्छी आवाज़ में उन्होंने गाया, बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, ऐसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद ये सारे जो कमाल के वर्ड्स हैं, क्लासिक वर्ड्स हैं, इनको आप इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी कम्युनिकेशन में और खूब अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मैं आपको फिर से ऐसे ही कोई कमाल की क्लास, क्लासिक वर्ड्स, वोकैबुलरी, प्रोनंसिएशन, ग्रामर की देने की कोशिश करूंगा, जैसा कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं। मेरी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि हर वीडियो को एक क्लासिक वीडियो बनाया जाए, आपको टॉप क्लास की क्वालिटी दी जाए। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। टाइम चाहे जो भी लग जाए, टाइम की कमी हर किसी के पास है, आप जानते हैं आजकल ऐसी लाइफ स्टाइल हो गई है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड योर काइंडनेस, थैंक्स अ लॉट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।